हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, अपने पुराने घर पे। अभी अभी उठ के आए हैं। सुबह सुबह मेहनत हुआ करेगी हमारी, क्योंकि अभी हमारा किचन का सामान वहाँ नहीं पहुँचा और पापा भी अभी यहीं पर है। तो अभी खाना वाना बनाने के लिए मुझे यहीं पर आना है, और जब पापा जब वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहीं खाना बना करेगा। बाकी देखते हैं। वैसे मैं सोची थी कि आज किचन का सामान कुछ कुछ वहाँ पर पहुँचाने लग जाऊँ, क्योंकि रात में जैसे हमें भूख लगी थी ना कल रात को, हमें नींद नहीं आई, तो मुझे लगा कि नींद आ जाएगी क्योंकि कल फर्स्ट डे था हमारा वहाँ पर। तो थोड़ी देर बहुत देर तक हमें नींद नहीं आई थी, फिर रात को भूख लग रही थी, फिर हमने बाहर से मंगाए थे अपने लिए छोले भटूरे वगैरह मंगाए थे। गाइस अभी सच में हम फ्रेश भी नहीं हो पाए नई नई जगह पर। मैंने कहा कि चलो वहाँ तो चली रही, मैं वहीं जाके होके आऊँगी फ्रेश। तो वहाँ पर कल बर्तन नहीं थे तो हम लोगों ने फिर डिस्पोजल वगैरह मंगाए थे बाहर से, तो इसलिए यहाँ से भी अब मैं सामान लेके जाऊँगी। आज थोड़ा बहुत किचन का सामान लेके जाना ही है। और बाकी अब पापा से बात करते हैं कि पापा कब जाएंगे, उनका कब का प्लान है जाने का वहाँ पर, क्योंकि कहीं से एकदम से किसी का सोने का मन नहीं करता ना। बट ऐसे अब हमारी डबल डबल मेहनत हो रही है, पहले हम यहाँ से वहाँ जाएँ, फिर अपना खाना हम लोग इतनी जल्दी खाते नहीं, हम फिर पैक करके लेके जाएंगे, फिर शाम को मुझे फिर आना पड़ेगा यहाँ पर खाना बनाने के लिए, फिर यहाँ से फिर पैक करके लेके जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो बस मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा बहुत जो किचन का सामान है ना वो तो ले ही जाऊँगी एटलीस्ट। गाइस मेरा शावर हो चुका है एकदम डन, मैंने खाना भी बना दिया एंड पापा ने खा भी लिया, और ये अभी फैक्ट्री गए हैं फैक्ट्री से लेबर को बुलाने के लिए। लेबर को लेके आ रहे हैं किचन का, और रूम में जो सामान फैला हुआ है ना वो भी अभी पहुंचाना है आज सामान, तो अभी ये बुलाने गए हैं उनको, तो बस लेके आ रहे हैं। आ गए हैं फैक्ट्री से लेबर वगैरह आ गए हैं। अब ये लोग सामान खाली करने भी कितने घूम रहे थे यहाँ पर, अभी नीचे कार में रखने गए हैं, क्योंकि जो छोटा मोटा सामान है वो कार से चला जाएगा, जितना भी कांच का सामान है तो कार में रख देंगे सारा सामान और एक बार में ले जाएंगे। और बस अब किचन भी खाली हो रही है, पापा कह रहे थे कि सारा खाली कर लो एकदम लास्ट में आएंगे पापा, तो बस हम लोग धीरे धीरे करके सारा खाली कर रहे हैं अभी। और मैंने नहा धो के वही कपड़े पहन लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे कपड़े नहीं है, सारे कपड़े पोटली में बांध देते सब उस वाले घर पर पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर अब बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि कुछ किचन का यहाँ पर है तो किचन खाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, इसलिए आज ही सब कुछ हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। गाइस अभी यहाँ पर ये फर्नीचर निकल रहा है, पूरे सब निकाल, बाकी सारा सामान चला गया वहाँ से, सारे शूज निकाले अभी बैठ के, अभी नहाई थे पता भी नहीं लग रहा कि मैं नहाई हुई हूँ। हमारा रूम कितना बढ़िया रूम था, हमारा मैं दिखा मैं आप चुकी हूँ नए वाले घर पर, यहाँ पे अपना थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ का सारा सामान वगैरह निकलवा के आई हूँ, जितने भी थोड़े बहुत ड्रॉर रह रहे थे और किचन का जो सामान था वो सब पूरा खाली करवा के आई हूँ, और फ्रिज भी पूरा खाली हो चुका है। बस अब यहाँ पर सामान आएगा भी 15-20 मिनट में, वो लोडर आ रहा है, रिक्शा आ रहा है, तो वो सारा सामान चढ़ाएंगे ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर साथ के साथ सेट करती जाऊँगी, ये वहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि दोनों को एक एक जगह होना ज़रूरी है। तो कल मैं उस वाले घर पर थी, आज ये कल ये यहाँ पर थे, तो आज मैं यहाँ पर आ गई और आज ये उस वाले घर पर है, पुराने वाले घर पर, तो रहना ज़रूरी है दोनों को एक एक जगह, क्योंकि वहाँ से सामान आज उतरेगा, बड़ा बड़ा जो सामान है वो उतरेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अपना। और यहाँ अब आंटी यहाँ पर सफाई कर रही हैं, किचन को पूरी क्लीन करवा रहे हैं, क्योंकि किचन गंदी हो रखी थी, तो आज किचन का सामान आ जाएगा तो पूरी किचन क्लीन करवा रहे हैं। भाई सबको भूख भी लग रही है, सुबह अच्छा हुआ मैंने पहले खाना ही बना दिया था जाते ही, क्योंकि किचन को खाली करनी थी तो मैंने खाना सुबह ही बना दिया था, और अब बहुत तेज भूख लग रही है। 1 बज रहा है सुबह से, मैं वही हूँ 9 बजे से, सारा काम वाम करवा के नहा धो के अब आई हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मैं नहाई भी नहीं हूँ, इतना फेस धूल मिट्टी इतनी थी, ऐसा लग रहा नहाई भी नहीं हूँ, भूख बहुत तेज लग रही है, ना मैंने कुछ खाया ना ही उन्होंने कुछ खाया, ये तो बेचारे इतनी भागा दौड़ी करते हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है इनकी, तो इन्होंने भी अभी कुछ नहीं खाया और ना मैंने खाया। अब हम खाना वाना यहाँ पर अपना पैक करके लेके आ गए हैं, ये रखा सारा सब खाना वाना यहाँ पर लेके आ गए हैं, अब बस मैं खाना खाऊंगी, आंटी सफाई कर ले फिर मैं खाना खाती हूँ। आंटी सफाई करके चली गई है, अब मैं खा रही हूँ खाना, अब बहुत तेज भूख लगी है तो अब खाना खा लेती हूँ पहले। और अभी प्लम्बर वाले भैया भी आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ बालकोनी का एक नल खराब हो गया, उसमें से पानी बहाया जा रहा है, तो नल वगैरह चेंज करेंगे, प्लम्बर वाले भैया को भी फ़ोन कर दिया है। और सीरियसली गाइस यहाँ पर बर्तन भी नहीं है, अभी मैं डिस्पोजल वाली प्लेट में खा रही हूँ खाना, क्योंकि बर्तन वगैरह हमने सब इकट्ठे में अभी भर के रख रखे हैं, तो अभी वो लोडर आएगा तो रिक्शा वाला आएगा तो यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह से ऊपर चढ़ेगा,
बर्तन वगैरह ऊपर चढ़ेंगे सब, उसके बाद बर्तन निकलेंगे। तो जब तक हमें डिस्पोजल में काम चलाना पड़ेगा। ये देखो गाइस, डिस्पोजल में खा रही हूँ मैं खाना, इसमें खाना खा चुकी हूँ। और यहाँ पर सच में अकेले अकेले इतना ज़्यादा बोर हो रही हूँ ना मैं। वहाँ भी मैं उस सारे घर पर भी मैं अकेले रहती थी, बट मैं वहाँ बोर नहीं होती थी जितनी यहाँ पर हो रही हूँ। अभी सिर्फ मेरे को आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, बस आके आंटी ने किचन साफ करी, आंटी पहले से किचन साफ करी थी, मैं ही आंटी चली गई, फिर मैंने खाना खाया है। अभी 15-20 मिनट हुए बस मुझे यहाँ पर आए हुए, और मैं 15-20 मिनट में अकेले अकेले ऐसे बोर होने लग गई। अब हाँ, तो एक रूम में रहती थी अकेले, लेकिन वहाँ मुझे बोर नहीं होता था। बस वही है ना, आदत वाली बात थी कि वहाँ पर मुझे आदत पड़ चुकी थी, और यहाँ पर अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो गाइस, यहाँ पर आ गए हैं प्लम्बर वाले भैया, अब ये नल ठीक कर रहे हैं भैया। अब मैं कर रही हूँ यहाँ कपड़े पैक, मतलब तय बना के ड्रॉर में लगाऊंगी, अलमारी में लगाऊंगी, क्योंकि अलमारी भी आ रही है यहाँ पर, चढ़ गई अलमारी भी ऊपर चढ़ गई है। और ये जो जितनी भी पोटियाँ बनी हुई है ना, सारे अभी खोल के तय बना के कपड़े अच्छे से लगा दूंगी, क्योंकि आराम अभी क्या करना, आराम तो अब करती रहेंगे, तो पहले कपड़े वगैरह तय बना के अच्छे से रख दूँ। अभी तो एक पोटली खुली है, उसके कपड़े तय बनाने में इतना ज़्यादा थक गई ना मैं, अभी तो इतनी सारी पोटली और है, ये तो बड़ी बड़ी पोटलियाँ हैं, इनमें तो कितने सारे कपड़े हैं, एक ही में थक गई मैं तो, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई एक ही में। और गाइस, जो कपड़े मेरे नहीं पहनूंगी ना, जो छोटे से हो गए मेरे कपड़े, वो मैं अलग रख रही हूँ, वो मैं किसी को दे दूँगी। मैंने ये वाली पोटली खोली, मैं तो बहुत सारे कपड़े हैं, कैसे तय बनाऊँगी मैं, आराम से बैठ बैठ के तय बना लेती हूँ धीरे धीरे करके। यहाँ पर वो सामान लगवा रहे हैं, सारा सामान आ चुका है, अलमारी आ गई, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। दोनों बैग इस अलमारी के हैं, ये सब पोटली तुम्हारी इस अलमारी की है। ठीक है, पापा करके बैठ के अब इतने कर लिए ना, अभी ड्रॉर में लगा के फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर करूंगी। और गाइस, ये देखो मेरे इतने छोटे छोटे से कपड़े हैं ना, ये वाले और ये वाले, ये मेरे शादी के बाद के कपड़े हैं, जब मैं बहुत पतली थी, जब हम लोग गए थे घूमने शादी के बाद हनीमून पे गए थे ना, ये मेरे तब के कपड़े हैं, इतने छोटे छोटे थे, और ना मेरी जीन्स आती ना मेरे टॉप आता, अब देख के इतना वो हो रहा है ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरे को पतला होना पड़ेगा अगर ये कपड़े पहनने मुझे वापस से, तो क्योंकि ये कपड़े मैं किसी को देना नहीं चाहती, ये वाले कपड़े नहीं दूंगी मैं किसी को भी, क्योंकि ये मेरे शादी के बाद के फर्स्ट हनीमून के कपड़े हैं, इसलिए किसी को नहीं दूंगी मैं। और बाकी के तो मैं निकाल दूंगी जो देने वाले होंगे। गाइस, शाम के बज रहे हैं 5, और मैंने अब तक 2 पोटली खोल के सारे कपड़े जो तय किए थे वो मैंने सारे ड्रॉर में लगा दिए, उधर वो लग गई थी लकड़ी की अलमारी लग गई थी, तो मैं उसमें लगा के आ गई हूँ सारे कपड़े। और इनका भी सारा काम हो गया, जो जो वहाँ पर सामान था सब इन्होंने चढ़वा दिया, जो जो मेन सामान था सब हो चुका है। अब बाकी थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान रखा, वो तो हमारे चक्कर लगेंगे बाद में, तो हम लेके आ जाएंगे आराम आराम से, लेके आ जाएंगे वो सारा सामान। तो बाकी जितना भी मेन सामान था बड़ा बड़ा सारा आ चुका है, और अब ये गए हैं नहाने के लिए, जस्ट अभी भी घुसे नहाने, बेचारे अभी अभी फ्री हुए हैं, सुबह 9 बजे से लगे हैं, 9 बजे से अब जाके शाम को 5 बजे फ्री हुए हैं, तो अब नहाने गए हैं। अब मैं इनको बोलूँगी थोड़ी देर लेट जाओ रेस्ट कर लो, ये करते हुए तो नहीं है रेस्ट, बस इनको क्या है कि सारा काम हो जाए ढंग से। अभी देखना हम नहा के आएंगे ना, तब भी कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं इनको थोड़ी देर बोलूँगी सोने के लिए, क्योंकि इतना एकदम से इतना सारा काम करना भी सही नहीं रहता, गर्मी इतनी पड़ रही है। अभी मैंने फ्रिज में पानी की बॉटल्स भी भर के लगा के आई हूँ, आरो रह गया बस हमारा आने के लिए, हाँ आरो कल लगेगा। और पानी की बॉटल हमारे पास मयूर जग था, मयूर जग हम वहाँ से भर के लेके आए अपने घर से, और यहाँ पर लेके आए, यहाँ पे सारी पानी की बॉटलें भर के फ्रिज में लगाई है मैंने, तो बस ये है कि आज के लिए बॉटल भर के लगा दिया, और रात को पानी खत्म होगा तो रात को फिर चले जाएंगे वहाँ पर भरने के लिए, और सुबह कल सुबह आरो वालों को बुला लेंगे, आरो यहाँ पर लग जाएगा हमारा एक्वा गार्ड। तो अब मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, और इनको भी बोलूँगी ये भी थोड़ा सो जाएंगे थोड़ी देर। यहाँ पर लगा दिया हमने अपना मंदिर, और मंदिर देखो हमारी आंटी ने पूरा मंदिर चमका दिया, ये देखो यहाँ पर वो ब्लैक ब्लैक लग गया था ना, हो रहा था, तो ये पूरा मंदिर चमका दिया आंटी ने। वैसे आंटी वो तुम बहुत बढ़िया सारा काम कर देती हो हमारा। सिर्फ तुम्हारा और किसी का नहीं। हाँ भैया अच्छे, इसलिए
अच्छी मैं यही बोलने वाली थी, मैं अच्छी नहीं हूँ। जैसे ही हम सोने गए ना, जैसे ही मैंने कहा कि इनको ये वैसे भी नहीं सोते, इतनी मुश्किल से ये माने थे सोने के लिए, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो। और वैसे ही आंटी आ गई, आंटी ने बेल बजाई, मैं कह रही कौन आ गया गेट पे, देखा तो आंटी, फिर आंटी अभी सफाई वगैरह करके चली गई हैं। और अब मैं इनको कह रही थी थोड़ी देर लेट जाओ भाई, देखो सोना नहीं होता, बॉडी को रेस्ट भी देनी होती। ये तब से मुझसे बहस कर रहे हैं इस बात को लेके, थोड़ी देर रेस्ट देना होता। मैं अपने लिए थोड़ी बोल रही हूँ, इन्हीं के लिए बोल रही हूँ। आप काट दी मेरी, तो भाई बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मत बोलो भाई, मेरे लिए मत बोलो। गाइस इनमें से लड़ रहे हैं, तुम रेस्ट कर रही हो ना, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ तो मैं कहना कैसे आते हो भाई, मैं मेरे से जितना काम हो पाता है मैं उतना करती हूँ। गेनी की लगी पड़ी फिर बाद में तबीयत खराब होती है ऐसे, इसलिए उतना ही काम करो कि जितना हो पा रहा है आराम आराम से हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब हो गया इतना, आप थोड़ी देर सो जाओ, रेस्ट तो सो मत, चलो आराम करके लेट सो सकते हो। ये तो लेट ना भी नहीं होता, इधर से तो हांडल होता है, इधर से तो नाश्ते रहेंगे घर में, कुछ होगा भी नहीं ना गाइस करने के लिए। इधर से उधर यहाँ से किचन में चले गए, नीचे चले गए, कभी कहीं। मैं कहती थोड़ी देर लेट जाओ, लेट जाओ। हो गया, मुझे किलसाओ मत, तुम किलसते ही रहते हो, मुझे किलसाओ मत, मैं सच में तुम मुझे क्यों सा रहे हो गाइस, मैं कुछ गलत कह रही हूँ, कमेंट करके बताना आप लोग। फालतू में लड़ रहे हैं मेरे से, पिछले दस मिनट से लड़ रहे हैं। लेट जाओ देखो अभी भी बोल रहे। सुनो एक बार मुझे नीचे हो क्या, देखो गाइस देखो यार काम है कुछ। क्या काम है, नीचे नहीं जाओगे यार, थोड़ी देर लेट हो आराम करो। अरे नहीं यार, मेरे को खिलसा रहे हैं बहुत बुरी तरह। 5 मिनट में नहीं, मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं यहाँ खड़ी हो रही हूँ। अरे मुझे वो एड्रेस देख के आना है, कुछ मंगा रहे हो ऑनलाइन है, कुछ मंगा रहे हो। अरे वो जियो फाइबर के लिए मुझे अपडेट करना है, एड्रेस देख के आ जाती हूँ, मैं फोटो खींच लाऊंगी एड्रेस की, नीचे नहीं गई, मैं अभी जाऊंगी क्योंकि अभी पहले हम लोग मंगा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो एक बार में चले जाएंगे। जब ऑर्डर आएगा ना तो मैं तभी ऑर्डर लेने जाऊंगी। फ्राइड राइस ऐसे थे उस दिन, अभी भूल गई टेस्ट, अच्छे लग रहे थे। हाँ फ्राइड राइस अच्छे थे, याद आ गया, अच्छे थे। तो हम लोग बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, तो कुछ मंगा लेते हैं। तो इतने जब ऑर्डर आएगा तो ही मैं एक बार में नीचे चले जाऊंगी, क्योंकि गाइस हमें नीचे जाना पड़ेगा, फिर थर्ड फ्लोर पे फिर चढ़ो सीढ़ियां, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियां हैं। तो इसलिए एक ही बार में अब यही करा करेंगे, जो सामान चाहिए ना तो एक ही बार में जाएंगे और एक ही बार में ऊपर चढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, 10 बार उतरो 10 बार चढ़ो। क्यों मुझे नहीं है भाई, अभी तुम आराम करो, तुम बस ऑर्डर कर दो, फिर मैं लेके आ जाऊंगी, सारा काम करके आ जाऊंगी एक बार में। नहीं अभी तो सिर्फ फ्राइड राइस खाऊंगी। ओके, ऑर्डर आ चुका है, मैं जा रही हूँ नीचे लेने के लिए, यही जा रहे थे, मैंने कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ, कहाँ इनको परेशान करूँ बेचारे, वैसे इतने राउंड लगाते हैं नीचे, कितने चक्कर लग जाते हैं, तो इसलिए मैं ही जा रही हूँ लेने के लिए। अच्छी हो जाएगी शायद से, अभी यहाँ पर कोई है नहीं नीचे वाले फ्लोर पर, मैंने इतनी बेल बजाई, सब लोग शॉप के गए हुए हैं, क्योंकि मेरे को नीचे मोटर का पूछना था, मोटर कहाँ से ऑन होती है तो वो पूछना था, बट कोई नहीं अब बाद में पूछ लूँगी। और दूध भी लेना था, दूध उबालने के लिए दिया था मैंने नीचे, आंटी को बोला तो दूध उबाल देंगी, तब दूध लेने भी मैं बाद में ही आऊँगी, क्योंकि अभी हमारी गैस अभी लगी है जस्ट, तो इसलिए दूध मैंने दिन में उबलवा दिया था, तो इसलिए अब बाद में ही आना पड़ेगा। और मैं आपको प्लांट्स दिखा देता हूँ, उसमें कितने सारे प्लांट लगा रखे हैं यहाँ पर, देखो गाइस कितने सारे प्लांट लगा रखे हैं यहाँ पर, इधर देखो सारे पौधे लगा रखे हैं सारे। ये गाइस ये है सेकंड फ्लोर और हमारा वाला है ऊपर थर्ड फ्लोर। ऊपर है छत जो कि मैंने अभी तक देखी नहीं है, बाद में देखूंगी आराम से। आगे नीचे कोई था ही नहीं, मैंने बहुत बैल बजाई, गिर जाया, कोई था ही नहीं, शायद कहीं गए होंगे, नहीं वो अब बाद में पूछेंगे ना कैसे ऑन होती है। ऑन तो वैसे ही होती है जैसे वहाँ की होती है। अच्छा जैसे हमारे वाले हाँ। अच्छा तो दिखा नहीं, गेट के आगे लग रहा है। हाँ लगा तो वैसे ही होती है। अच्छा तो तुम मेरे को बोलते थे ना कि ऑन करते हुए आना, तो तुम्हें इतना नहीं पता था कि ऑन कैसे होती है। नहीं तुमने मेरे को बोला था ना पूछ लेना क्या खास ऑन होनी है, तो मैं ठीक है गाइस इनकी गलती है, मैं थक गई हूँ, कल क्या हूँ
नहीं रहने दो। ठीक है अब खा लेते हैं, पहले भूख लगी है। ये रहा हमारा फ्राइड राइस और ये रहा व्हाइट सॉस पास्ता। पास्ता भी बहुत गर्म है यार। और थोड़ी सी मादा बच्ची कुची मैं पी लूँगी, तुम नहीं पियोगे मैं पीऊँगी। पी लो, पी लो। मैं अभी नीचे गई थी ये ऑर्डर लेने के लिए और मैं वो फोटो खींचना था। क्या कहा था मैंने तुमसे? इन्होंने मेरे को क्या कहा था मैंने तुमसे? एड्रेस की फोटो क्लिक करके लेके आ रहे हैं। क्या कहा था? हैं? मैंने मैं कह रहा था कि मैं जाऊं नहीं मैं जाऊंगी। और मैंने कहा था एड्रेस मुझे जरूरी चाहिए। मेरे दिमाग से निकल गया था गाइस सच में, वरना तो मैं सारा काम करती हूँ अपना। ये एड्रेस वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं वही मेरे को दिमाग में तो आ रही थी कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ लेकिन उस टाइम मुझे याद नहीं आया। अब यहाँ पर आके खा भी लिया फ्राइड राइस और पास्ता हमने खा लिया, तब इनको खुद भी तब याद आया। मैंने बल्कि ऊपर से आवाज लगा के पूछी भी थी कि तुमको और कुछ काम तो नहीं है? इन्होंने कहा नहीं नहीं आ जाओ। बस मैं आ गई तुरंत ऊपर। क्या पूछी थी तुमने? कि और कुछ काम तो नहीं है नीचे का जो मैंने ऑर्डर लिया था कि समरसेबल का कि नीचे है नहीं कोई। बस तुमने ये नहीं कहा था कि कुछ पूछना है? मुझे लगा तुमने खींच ली होगी फोटो। तो एक बार ऊपर से पूछ सकते थे ना कि फोटो खींच ली या नहीं खींची। मैं भूल गई थी दिमाग से। अब मैं जाऊंगा तो चेक करोगी? नहीं अभी जब हम जाएंगे ना शाम के टाइम तब खींच लाएंगे। ठीक है काम मुझे अभी है। कोई नहीं अब थोड़ी देर की बात और है, थोड़ी देर में चलेंगे ना। खुद की खत्म नहीं होती है, काम एक करती नहीं हो। चलो शाम के बज रहे हैं 7:30 और अब हम लोग जा रहे हैं उस वाले घर पर, क्योंकि वहाँ पर अभी हमारा बहुत सारा सामान रह रहा है, छोटे मोटे से सामान रह रहे हैं। और अभी मैं मंदिर लगा रही थी तो मंदिर में मतलब भगवान जी रख रही थी, तो वहाँ पर अभी भगवान जी भी कुछ कम है, वहाँ पर अभी थोड़े से रह गए हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी रह गए हैं, माता रानी रह गई हैं। तो भगवान जी लेके आना, भगवान जी का आसन भी लेके आना, आसन भी वहीं पर रखा हुआ है। तो भगवान जी एटलीस्ट मंदिर में तो लगा दूँ मैं। और भी बहुत सारा सामान रह रहा है, वो भी लेके आना। डस्टबिन भी लेके आना है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अभी कूड़ा होगा वो ना अभी हमने एक बॉक्स बना लिया है उसमें रख रहे थे, तो डस्टबिन भी लेके आएंगे। बहुत सारा सामान है जो भी छोटा मोटा सामान जो रह गया वो लेके आना है। और खाना तो खैर आज हमारा बाहर से आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी गैस हम लोग ऑन नहीं कर सकते। पापा बोल रहे थे कुछ चौथ वगैरह है तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर गैस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो परसों से बोल रहे थे पापा कि वेडनेसडे से करना, तो इसलिए आज तो होगा नहीं, तो हम लोग खाना बाहर से मंगाएंगे। और कल तो खैर हमारी पार्टी है, कल नीचे भैया का बर्थडे है, वीर के पापा का भैया का बर्थडे है, तो कल सुंदरकांड है और खाना पीना वही है हम लोगों का। तो कल तो खैर बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज हम लोगों को बाहर से खाना है, क्योंकि आज हमारी गैस यहाँ पर नहीं जल सकती। लोग आ गए हैं यहाँ पर, हमें मेन गैस भी भरना था क्योंकि आरो हम भी हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, कल लगवाएंगे आरो हम। तो ये भर के लेके जा रहे हैं और फिर इसमें से पानी की बॉटल भर के फ्रिज में लगा रहे हैं। और आंटी यहाँ आके भी बर्तन धो के चली गई, क्योंकि थोड़े बर्तन सुबह के यहाँ भी हो रखे थे, तो आंटी ने यहाँ आके भी बर्तन धोती है। और दिखाई तो आंटी हमारी बहुत अच्छी है सच में, सारा काम खुद से कर देती है। चले गए आपके? हैं चले? अच्छा ये ना, हाँ मैं वही बोल रही थी, ऑयल वगैरह सब यही रखे। देखो भगवान जी हमारी, ये देखो हमारा रूम, हमारी अलमारी रखी हुई थी यहाँ पर लोहे वाली, उसके पीछे ये था, ये ड्रॉर बना हुआ था, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है ये आज। और इतना गंदा हो रहा है ना सच में, बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारी रखी हुई थी बैक साइड में, तो कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर गमले भी रखे हुए हैं, ये गमले बहुत पुराने हैं, ये कितने लगाए थे गमले? भगवान जाने मम्मी के टाइम के रखे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो बहुत पुराने हैं और तब से ऐसे ही बंद है ये ड्रॉर। ये देखो गाइस हमारा रूम कितना बड़ा था ये वाला इतना अच्छा रूम, अपना घर अपना ही होता है यार, चाहे छोटा रूम हो चाहे बड़ा हो अपना अपना ही होता है। बस अभी हमारे यहाँ फोटो फ्रेम्स वगैरह रह गए हैं ये सब, और खड़ी रह गई है। भगवान जी के ऊपर का सामान जो ऊपर था सारा सामान भगवान जी यहाँ रखे थे ना, हमारे भगवान जी इसमें रखते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं उस वाले घर से, सच में इतना सारा सामान अभी भी रखा है ना, सामान खत्म ही नहीं हो रहा। अभी तो किचन के नीचे वाले ड्रॉर खाली कर रहे थे बर्तन वाले, अभी तो ऊपर के ड्रॉर रह गए हैं जिसमें डब्बे रखे थे दालें और मसाले वगैरह जो ऊपर रखे थे ना, अभी तो वो रह रहे हैं। और रूम का सामान अभी लेके आए हैं, अभी हम लोग वो भी लेके आए थे अपना ब्रश वगैरह, क्योंकि कल हम लोगों को यहीं नहाना धोना है। बाल्टी भी ले आए, नहाने वाली बाल्टी, ब्रश, शैम्पू, मैं सब कुछ ले आई अब वहाँ से। अब बस वो रह रहा है, ये वॉल पे निशान कैसे हो रहा है, अब बस किचन का ऊपर का सामान रह रहा है और बाकी फोटो फ्रेम वगैरह जो लग रहे हैं वो रह रहे हैं, बस वो आने और किचन का सामान रह गया, बस फिर हमारा सारा काम कंप्लीट। अब वही है ना, अभी दो दिन से ही शिफ्टिंग कर रहे हैं, अब दो दिन में इतना सारा सामान आ गया, ये भी कम नहीं है। और अकेले बेचारे ये लाने वाले, बस मैं तो बैठे बैठे देखती रहती थी, और ऐसा नहीं कुछ तो मैंने भी किया, जैसे लगाने वाला सामान जो निकालने थे वो सब मैंने किया है, और बाकी ऊपर इन्होंने चढ़वाया।
बस 2 दिन में इतना बहुत है जो आ गया, बस किचन का रह रहा है वो अपना आराम से, क्योंकि कल तो हो नहीं सकता, कल घर पर सुंदरकांड है और कल तो बिजी रहेंगे, तो परसों देखेंगे, परसों करेंगे। अब कोई नहीं, एक दिन का कल रेस्ट मिल जाएगा हम लोगों को। अब हमने मंगाया है अपने खाने के लिए खाना, तो अब देखो हमने क्या जुगाड़ करा है आज का, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ कौन उतरेगा गाइस डेली डेली। अब हमें कभी कुछ मंगाना है तो सीढ़ियाँ ही उतरी जाएगी ना, ऊपर तो जाओ फिर चढ़ा नहीं जाता। तो अब हमने ये पॉलीथिन रस्सी से बांध दिया, अब नीचे लटका देंगे ये। गाइस भैया एकदम तरीके से रख रहे हैं उसमें सामान। ये सब ये रस्सी ऊपर खींच रहे हैं, चलो भाग। गाइस रात के बज रहे हैं 10 और अब मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सच में गर्मी बहुत लग रही थी, तो सोचा कि नहा लेते हैं। तो पहले मैं नहा ली, अब ये नहाने गए हैं, और मैंने अपने बालों में इतना ऑयल भी लगा लिया क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ रफ हो गए हैं, बहुत टूट रहे हैं गाइस, मैं बता नहीं सकती इतने ज़्यादा टूट रहे हैं ना। तो मैंने अपने बालों में ऑयल भी लगा लिया और मैं नहा के भी आ गई। नहाने के बाद इतना आराम मिला है ना, ठंडा ठंडा आराम से मस्त अपना लेटी हूँ, नहाने गए हैं और मैं अपना लेटी हूँ। तो गाइस बस आज का व्लॉग बस इतना ही, अब थक चुके हैं, अब कल तो वैसे फंक्शन है, तो अब परसों हम और शिफ्टिंग करेंगे, जो जो हमारा सामान रह रहा है वो शिफ्ट करेंगे। तो गाइस बस मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।